उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी भर्ती रिक्रूटमेंट शुरू हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद यदुवंशी टटोलो नौकरी में आपके साथ एक नई जानकारी के साथ। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी भर्ती रिक्रूटमेंट 2024 की। दोस्तों, आंगनवाड़ी भर्ती के नाम पर पहले भी बहुत से आवेदन आए हैं, कभी किसी सोसाइटी ने, कभी कुछ, मतलब फर्जी आवेदन भी बहुत हुए हैं। लेकिन इस बार बरसों बाद आंगनवाड़ी भर्ती का इंतजार खत्म होता है। अब आंगनवाड़ी भर्ती का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन सरकार ने जारी कर दिया है। अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में अलग अलग डेट में आवेदन स्टार्ट होंगे और अलग अलग डिस्ट्रिक्टों की अलग अलग लास्ट डेट होगी। दोस्तों, आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी भर्ती 2024 के लिए 23,753 पोस्ट का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। दोस्तों, इसका आवेदन स्टार्ट हो चुका है। आपको बताते चलें, इसका एप्लीकेशन स्टार्ट डेट अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग डेट है। दोस्तों, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग लास्ट डेट है। दोस्तों, फीस की बात कर लें तो आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट में सरकार कोई फीस नहीं ले रही है किसी से भी। सारे वर्ग के लिए OBC, SC, जनरल, ST सबके लिए फ्री है, कोई भी फीस नहीं है। आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट कार्यकर्ता की वैकेंसी में आप आंगनवाड़ी एलिजिबिलिटी की बात कर लें तो ओनली फीमेल कैंडिडेट्स, कक्षा 10+2 इंटरमीडिएट पास होनी चाहिए आप किसी भी बोर्ड से। दूसरी चीज, कैंडिडेट मस्ट बी रेजिडेंस ऑफ द साइड ब्लेस वार्ड न्याय पंचायत, मतलब जो आवेदन करता है वो उस गांव का या उस वार्ड का या उस न्याय पंचायत का रहने वाला होना चाहिए। दोस्तों, आगे हम आपको बताते चलें, उम्र की बात करें तो एज लिमिट दोस्तों इसमें 18 से 35 वर्ष के लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे। एज रिलैक्सेशन आपको यूपी आंगनवाड़ी भर्ती रिक्रूटमेंट रूल्स के अनुसार मिलेगा, मतलब जो आपके लिए इसका उम्र का क्राइटेरिया है वो आपको आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपको उसका आरक्षण मिल सकता है। दोस्तों, अभी हम बात करें, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग वैकेंसी हैं। टोटल वैकेंसी दोस्तों 23,753 वैकेंसी हैं। अभी हम बात करें तो किस किस डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हो चुका है। अभी जो स्टार्ट है वो आपका बागपत में 4/2/2024 तक स्टार्ट, मतलब लास्ट डेट है और स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट बात करें, चित्रकूट का 12/4 लास्ट डेट है और इसका भी स्टार्ट हो चुका है। एटा में 1/4/2024 लास्ट डेट है, इसका भी स्टार्ट हो चुका है। और वैकेंसी की भी साथ साथ बात कर लें तो जिनका स्टार्ट हो गया है उनकी वैकेंसी बता देते हैं और जिनका नहीं हुआ है उनकी डेट के हिसाब से बता देंगे। बागपत में 199 वैकेंसी हैं, 2/4/2024 लास्ट डेट है। चित्रकूट में 230 वैकेंसी हैं, 12/4/2024 इसकी लास्ट डेट है। एटा में 169 वैकेंसी हैं, 1/4/2024 इसकी लास्ट डेट है। दोस्तों, आगे हम आपको बताएं, लखनऊ में 566 वैकेंसी हैं, 1/4/2024 इसकी लास्ट डेट है। मुजफ्फरनगर में 295 वैकेंसी हैं, 1/4/2024 इसकी लास्ट डेट है। पीलीभीत में 210 वैकेंसी हैं, 2/4/2024 इसकी लास्ट डेट है। दोस्तों, संभल में 346 वैकेंसी हैं, 3/4/2024 इसकी लास्ट डेट है। शामली में 118 वैकेंसी हैं, 2/4/2024 इसकी लास्ट डेट है। दोस्तों, ऐसे ही अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग रिक्वायरमेंट स्टार्ट होंगे, क्योंकि एक साथ अगर स्टार्ट होंगे तो शायद मैं समझता हूं कि सर्वर की प्रॉब्लम की वजह से या किसी अन्य कारणों की वजह से ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग स्टार्ट करवा रहे हैं। वैकेंसी हर डिस्ट्रिक्ट में है। बताते चलें आपको, आगरा 482, अलीगढ़ 499, अम्बेडकर नगर 350, अमेठी 469, अमरोहा 142, औरैया 331, 321, अयोध्या 218, बागपत 199, बैराज 632, बलिया 77, बलरामपुर 388, बांदा 210, बाराबंकी 420, बरेली में, दोस्तों बरेली में 329 वैकेंसी हैं, लेकिन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। बहुत जल्द इसका आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट आवेदन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों, ऐसे ही आपके जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सारे में अलग अलग वैकेंसी हैं। दोस्तों,
उन्नाव में 601, वाराणसी में 332, सुल्तानपुर में 415, सोनभद्र में 593। दोस्तों बाकी का हम आपको नेक्स्ट बताते चलेंगे। इसके लिए आप जल्दी से जल्दी, जैसे ही आपके यहाँ का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है तो आप जल्दी से जल्दी आवेदन करें। इसकी साइट आपको पता चले upanganwadibharti.in/user/registration.php पे जाके आप इसका रजिस्ट्रेशन करेंगे और इसके बाद आप अपना लॉगिन करके पूरा फॉर्म भर लेंगे। इसके आवेदन भरने की प्रक्रिया भी दोस्तों हम आपको अपने इसी चैनल के माध्यम से पूरा फॉर्म आपको दिखाएंगे। बने रहिए हमारे टटोलो नौकरी चैनल पर आंगनवाड़ी भर्ती के साथ। आंगनवाड़ी भर्ती का बहुत दिन बाद दोस्तों ये ओरिजिनल रिक्वायरमेंट है। पहले भी एक बार भर्ती का आवेदन लिए गए थे लेकिन वो भर्ती पूर्ण नहीं हो पाई थी। सरकार ने आंगनवाड़ी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बने रहिए हमारे टटोलो नौकरी पर हमारे साथ और अन्य ऐसी ही नई नई जानकारियों के लिए। धन्यवाद दोस्तों।